वेलकम टू आउटस्टाइल आवर यूट्यूब चैनल। और सही वक्त पे सही फैसला जो होता है, श्योर कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लाइफ कैसे करते हैं, क्या होगा, 5 दिन हफ्ते में शो करना, लेकिन अगर मैं उस वक्त फैसल कह देती ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था, कोई और एंकर आ जाती और मेरी लाइफ फिर उसके बाद जो बदली। और जैसे मैं वो जो कहते हैं क्वीन ऑफ मॉर्निंग शो या जो भी माशाल्लाह लोग प्यार से कहते हैं, वो सिलसिला ना होता, मॉर्निंग शो मैं नहीं करती, दुबई से वो फिनोमिनल मॉर्निंग शो का एरा होता ही नहीं। It happened because I took a leap of faith and I decided कि let's do it। मुझे आता नहीं है लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं, तो वो उस वक्त डिसीजन मैंने अकेले लिया जिसमें किसी का भी कोई अमल, क्या कहते हैं, अमल दखल नहीं था, किसी को कुछ समझ नहीं आई थी कि ये कैसे होता है। एंड आई वॉज लाइक okay, I want to do this, and mashallah, I never regretted it। So it was the right decision taken at the right time, sahi faisla sahi waqt pe। ये नादिया थी, जब आपको जैसे सबको पता ही है कि एक टाइम था मेरा जहाज क्रैश हुआ और मुझे उसमें इजेक्ट करना पड़ा। अब वो फासला देखें, जब जहाज में जो कॉकपिट होता है ना, वो माँ की गोद की तरह लग रहा होता है, आप बहुत अपने आप को सेफ फील कर रहे होते हैं। जब मेरे साथ एक जहाज में एक इमरजेंसी हुई तो उस वक्त मैं दो ऑप्शन थी, या मैं जहाज में रहूं, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तो वक्त जाया हुआ था, एवरी सेकेंड जो है ना वो काउंट कर रहा था। ठीक है, तो अब मुझे ये फैसला करना था, या मैं जहाज में रहूं या उससे बाहर निकल जाऊं। देन आई टुक अ डिसीजन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे, हो सकता है सीट फायर ना हो, हो सकता है कैनोपी फायर ना हो, पूरा का सिस्टम मैलफंक्शन कर जाए, और अगर कर गया तो फिर टाटा बाय बाय था। ठीक है, लेकिन आई टुक अ डिसीजन, एक लीप ऑफ फेथ जैसे आपने कहा। अब वो टाइमर चल रहा है, उसमें डिसीजन सही या गलत, लेकिन टाइमर अपने उसने अपने टाइम से क्रैश होना है प्लेन ने। अब सिर्फ पायलट के ऊपर है कि वो अब इजेक्ट करते हैं या जहाज के साथ जाते हैं। ओ माय गॉड, जो ऐसे डिसीजंस होते हैं ना जिसमें लाइफ एंड डेथ की बात हो, उसमें कहते ना माइक्रो सेकंड भी जो है ना, सो इंपॉर्टेंट। और वक्त मुझे ऐसा नहीं होता फैसला ऐसे टाइम पर जब आपका जिंदगी और मौत बिल्कुल एक मतलब एक थिन लाइन के उसके दरमियान हो, तो क्या व्हाट फ्लैशेस बिफोर योर आईज, क्या याद आता है, क्या क्या मैंने फिल्मों में देखने कुछ आपको नजर आने लग जाता है, जैसे अपनी पूरी लाइफ आपने क्या देखा। यकीन करो नादिया, एक पूरी की पूरी जब से आप पैदा होते हैं ना, जब से आप शऊर अपना लेते हैं, पूरी की पूरी एक फिल्म चलती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं दो दफा मैंने ये चीज को बिल्कुल फील किया है मैंने और ये सब चलता है, लेकिन आहिस्ता टाइम एंड स्पेस में इस टाइम रेफरेंस के अंदर हमें बहुत जल्दी जो है ना वक्त गुजर रहा होता है, हमें डिसीजन लेना होता है। एट लास्ट मैंने डिसीजन लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए मैंने जब हैंडल खींचा तो एवरीथिंग वर्क्ड। और सीट के नीचे लगा होता है रॉकेट, और रॉकेट लेके आपको बाहर निकालता है, और बस फिर उसमें भी कितने सारे देखे ना गड़बड़ हो सकती है, लेकिन माशाल्लाह ऐसे टाइम पे लोग अक्सर डिसीजन ले नहीं पाते पायलट, इसीलिए बहुत सारे शॉक में चले जाते हैं, ऐसी चीज होती है। ऐसे इसलिए बहुत सारी डेथ्स भी होती हैं, इसलिए कि जी सही टाइम पे इजेक्ट नहीं हुआ तो फिर दे क्रैश विद द प्लेन अनफॉर्चुनेटली। तो ये आपका बहुत ही रब्बुल इज्जत का करम था कि मैं उस वक्त अपनी पूरी होशो आवाज में था, और फिर मैंने मुझे फैसला लेना था हैंडल खींचूं कि ना खींचूं, मैंने हैंडल खींच दिया और आज मैं आपके सामने हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे इनका क्रैश हुआ, फिर पैराशूट से नीचे जब लैंड किए, जब कमर टूट भी गई, तो जब इन्होंने आंखें खोली तो इनको फौरन किसी ने पानी पिलाया, और उसके बाद एक सेकंड में रिपोर्टर आ गया कहीं से, और उसने कहा जी मैं फला चैनल से हूँ, आप बताइए क्रैश करके आपको कैसा लग रहा है। उसने कहा प्लीज इसी तरह लेटे रहे, पोस्चर ही मेंटेन करें यार, डेजर्ट में उस वक्त ना मैं सोच भी नहीं सकता, रिपोर्टर आ गया बंदों के हाथ में, कहते जनाब मैं फलाने फलाने चैनल से आया हूँ, और ये देखे मेरे हाथ में पाम कटर, कहते प्लीज पोजिशन चेंज मत करें, ऐसे लेटे रहे, मैं अभी अभी आपकी खबर चला रहा हूँ। और ऐसे ही 11:27 पे मेरा क्रैश होता है और 11:42 पे टिकट चल जाता है। क्या बात है, ये देखिए अब ये उसके लिए भी जो रिपोर्टर है उसके लिए भी सही वक्त पे कोई सही फैसला ही था कि उस वक्त वहां मौजूद थे। तो अब माय टर्न, सेकंड लाइफ चेंजिंग डिसीजन, सही वक्त पे सही फैसला मैंने क्या लिया कि जब यूट्यूब का चैनल मैंने बनाया आज से 4 साल पहले, तो एक साहब जिनको मैं बड़ा ट्रस्ट करती थी कि आईटी के बड़े एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने मुझे गाइड भी किया कि भी नादिया तुम्हें चैनल बनाना चाहिए, एंड इट इज वेरी टफ वेरी डिफिकल्ट बट आई विल मैनेज फॉर यू, तो उन्होंने मेरा चैनल बना के चीजें सारी अपलोड वीडियोस की करनी शुरू कर दी, और मुझे ये बताते रहे कि जी व्यूज इतने आ नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं जो है ना इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे जो पैसे आ रहे हैं री इन्वेस्ट हो रहे हैं। मैं उनसे पूछूं भी कितने डॉलर, कितने नादिया वीडियो ज्यादा पैसे नहीं बना रही है, कोई $100 आ जाते हैं महीने के, मैंने कहा $100 क्या मैं उनसे मांगू, $100 कभी $150, $200। 3 साल गुजर गए इस बात को फैसला, मैं क्योंकि आप अर्निंग नहीं कर रहे होते, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है,
बट फाइनली जब मैंने कहा कि मैंने चैनल ये मुझे दे दीजिए, मैं खुद चलाऊंगी, तो उन्होंने कहा तुम्हें तो आता ही नहीं, तुम कैसे चलाओगी, पता है आईटी की कितनी मुश्किल चीज है, मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ तो मैं चला पा रहा हूँ, आप नहीं कर सकती। और मुझे कभी कोई लाइफ में ये कह दे कि आप नहीं कर सकती, तब तो फिर मैं पीछे पड़ जाती हूँ, है ना। फिर तो मेरा नाम है नादिया खान और मैं कहती हूँ ऐसी कौन सी चीज है जो मैं सीख नहीं सकती। तुम चाय नहीं बना सकती हो मेरे लिए अभी, आप लोग वेट करें। अच्छा, तो बस वो जो बात थी मुझे, बस वो फिर कुछ अर्सा तो बाकी लगा भी फैसल के, बाकी यार ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें पता नहीं क्या कोडिंग करनी होती होगी, क्या उसमें कोई ऐसे टिकटॉक टिकटॉक करना पड़ता होगा कि मैं तो कर ही नहीं सकती, बहुत सारी साइंस और आईटी की एडवांसमेंट इसमें मतलब मास्टर्स करना पड़ेगा, मैं तो कर नहीं सकती। और एक दिन फाइनली जब फिर मैंने चैनल अपना वापस रिट्रीव किया, और उसके बाद जब मैंने चेक किया, एक तो मैंने सीखा अपलोड कैसे करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, वीडियोस यूट्यूब चैनल चलता कैसे है, और मुझे पता चला ये तो बहुत ही आसान काम है और मजेदार काम है। एनीवेज उसके बाद मैं जब उस पर क्लिक करती हूँ उस ऑप्शन पे कि जी आपने आज तक कितने पैसे बनाए, ये भी मैं कुछ अर्सा पहले की साल पहले की बात बता रही हूँ आपको, जब फैसल उस शख्स ने क्या कहा कि आपका तो 100-150 बनता है, मैंने कहा कितने, उसने 500-600 हजार डॉलर उसने बनाया होगा। जब मैंने चेक किया तो उसमें 35,000 का रेवेन्यू बन चुका था, रुपीस डॉलर्स 35,000 डॉलर्स उस चैनल ने बनाए थे, उन वीडियोस ने बनाए थे जो उस बेईमान शख्स ने अपने अकाउंट में मजे से डाल लिए थे। तो ये मुझे अभी कुछ अर्सा पहले पता चला, कैन यू इमेजिन। तो मुझे इतना रियलाइज, मैंने कहा एक तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक वो चाह रहे थे कि भाई ये चैनल ऐसे चलाती जाए और मैं इनका पैसा लूटता जाऊं, तो मुझे सही टाइम पे अल्लाह का शुक्र है मैंने रियलाइज किया कि नहीं ये मैं खुद चला सकती हूँ, किसी को हायर करूँ, ये वो ये ऐसे आप गैरों पे भरोसा कर नहीं सकते, और खासतौर पे पैसों के मामले में। और मैंने फिर जब खुद फैसल सीखा और अब मैं खुद चलाती हूँ, फैसल मेरा साथ देते हैं माशाल्लाह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये फैसला लिया कि नहीं भाई मुश्किल है तो या तो चैनल बंद कर दूंगी या खुद सीख के चलाऊंगी। और अब मैं सारा काम जो है इसका यूट्यूब चैनल का एडिटिंग रिकॉर्डिंग अपलोडिंग सारा कुछ मैनेजमेंट मोनेटाइजेशन सब चीजें उसको मैं खुद देखती हूँ माशाल्लाह, एंड आप गवाह हैं इस चीज में, और मुझे फैसल सपोर्ट करते हैं कि मैं अकेले कर रही थी, अब माशाल्लाह ही सपोर्ट्स मी, ही हेल्प्स मी इन एवरीथिंग बिकॉज, और ये मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ रोज बैठ के जी ये कैसे करना है, ये क्या होना है, ये क्यों होता है, तो ही अप्रिशिएट्स मी अलॉट। मेरा बच्चा Now, over to you, Faisal. मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि फैसले लेने चाहिए, ठीक है, फैसला करना चाहिए, डिसीजन करना चाहिए। मैंने एक स्टोरी थी जो बहुत डिफरेंट रेफरेंसेस से मैंने सुनी, लेकिन जब मैं अबू धाबी में मैं था और वहाँ के जो एक मेरा लोकल फ्रेंड था एंड ही वाज वेरी वेल ऑफ, बड़ा अच्छा अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक था, एक दिन उसने मुझे कहा आओ चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपना ना विलेज दिखाता हूँ। तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं गया उसके साथ, उसके विलेज पे गया, डेजर्ट में था, वहां मैंने देखा कि उसके इतने हाई फाई उसके घर थे अबू धाबी में, लेकिन उसके विलेज में वेरी सिंपल लाइफ वो बंदा रह रहा था। और मुझे उसने मिलाया अपने दादा से, उसके दादा ने मैंने जब बैठा उनके साथ तो सरप्राइजिंगली मुझे ये चीज जिनके बहुत खुशी हुई कि पुराने जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उर्दू बहुत अच्छी आती है, वो बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करते थे, वो अपने तमाम लेबर्स के साथ खाना खाते थे, वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, वेरी फाइन पीपल, तो उन्होंने उनको उर्दू आती थी, तो उन्होंने अपनी टूटी फूटी उर्दू के अंदर मुझे कुछ बताना शुरू किया। तब जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आप आज अब यहां हैं, आपके पास इतनी मालो दौलत है, लेकिन फिर भी यू आर लिविंग ए वेरी सिंपल लाइफ, तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि एक बंदे की स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा एक बंदा था जो कि डेजर्ट में जा रहा था, ठीक है, डेजर्ट में जाते जाते वो अपना रास्ता भूल गया, वो चलता रहा, उसके पास पानी की एक मश थी जो आहिस्ता पानी वो कंज्यूम करता जा रहा था, होता है मश पता ना वो क्या होती है, वो जो जिसमें पानी भरते हैं, लेदर की बॉटल होती थी पहले जमाने में। तो क्या हुआ वहां पर जाके आहिस्ता उसका पानी खत्म हो गया, अब पानी खत्म हो गया, वो बिल्कुल ही डिहाइड्रेट हो रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गया तो आया कि दूर कोई झोंपड़ी नजर आई, उस झोंपड़ी में उसने देखा तो उसको कोई होप नजर आई कि शायद इसके अंदर कोई हो, लेकिन जब वो झोंपड़ी तक पहुंचता है, वहां जाता है, अंदर देखता है तो उसको कोई बंदा नजर नहीं आता, एक हैंडपंप पुराने जमाने का ना वो नजर आता है। वो खैर वो गया भागा, जिसमें उसकी एनर्जी थी उसने हैंडपंप को चलाने की कोशिश की, करता रहा, लेकिन पानी नहीं निकला, अब वो बिल्कुल ही फेंट होने पर था और उसने हिम्मत छोड़ दी।
फिर उसने इधर उधर देखना शुरू किया, उसको एक पानी की बॉटल नजर आई साफ सुथरी सी, जो कि ऊपर से कॉर्क थी और ढकना उसके ऊपर लगा हुआ था। वो भागा उसकी तरफ, वो गया और उसने जाकर पानी के बॉटल का ढकना जब खोला तो साथ ही एक पेपर पड़ा हुआ था और उस पेपर पर ये लिखा हुआ था कि इस पानी को हैंडपंप में डालो, हैंडपंप को चलाओ और पानी पर चलेगा। अब ये था कि या वो पानी पीता, दो ऑप्शन थी उसके पास, या वो पानी पी लेता और बैठ जाता आराम से, और या फिर उस हैंडपंप में डालता और हैंडपंप चलाता उसे पानी निकालता। और साथ दूसरी कैप्शन उसमें ये लिखी हुई थी कि जब तुम पानी पी लो, हैंडपंप से पानी को इस्तेमाल कर लो, इसको दोबारा भर के कॉर्क कर दो। अब उसने एक लीप ऑफ फेथ ली और वो इस कदर पानी की बॉटल उसके लिए लाइफ एंड डेथ का मामला था। फिर उसने क्या किया, हैंडपंप में पानी डाला, उसको शेक करना शुरू किया और इतना पानी हैंडपंप से निकला, इतना पीना जिसने सोचा भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ, उसने फटाफट जल्दी से उसने पानी की बॉटल को दोबारा भरा और वहां पर रख दिया और लिखा साथ के साथ अपनी एक लाइन ऐड कर दी कि बिलीव इट इट वर्क्स, यकीन करो ये काम करता है। तो कहने का मकसद ये है कि फैसला लेना पड़ता है। तो आप जो फैसला लेते हैं तो फैसला किसी न किसी रिस्क जो होता है, रिस्क फैक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट, सही हो भी सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन नदी होता क्या है कि लोग ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं वो फैसला नहीं ले सकते हैं, और जो फैसला नहीं ले सकते हैं वो गोल चक्र में घूमते रहते हैं और अपनी सारी की सारी जिंदगी उसी में जाया कर देते हैं। और जो फैसला करते हैं या वो सही होता है या गलत होता है, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है कि वो सही टाइम पे सही फैसला था या गलत था। लेकिन मैं कहती हूँ जब सेल्स की बात आती है तो बेस्ट, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि अच्छा कोई चीज़ चाहिए, वेरी गुड, अब इंतजार करो, उसके प्राइसेस वगैरह पता कर लो, ना वेट, इंतजार करके जो शॉपिंग करने में मजा है, आय हाय हाय हाय, वो ऐसे ही है कि भूख लगने के बाद खाना खाने का बिल्कुल। तो मुझे कोई चीज का शौक होता है, मैं उसको देखती रहती हूँ, अच्छा ठीक है, आई वेट फॉर द बेस्ट डील, और जब वो डील मिलता है और मैं खरीदती हूँ उस चीज को, मुझे अकम्पलिशमेंट जो होती है ना, एक तो ठीक है चीज मिल गई, लेकिन मैंने पैसे बचाए, अच्छी डील ली और उन्हीं पैसों में दो चीजें ले ली, तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो दराज की सेल को आप जरूर चेकआउट करें, इट्स ओनली टिल द 24th ऑफ मार्च लाइव है, तो अपने आप बेस्ट डील्स जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, फैसल के साथ रहने से पता चला कि हर जो काम है डेली का वो सही वक्त पे ही होना चाहिए। अगर पैकिंग करनी है तो वो जाने से पहले करनी चाहिए और फिर वापस आने से पहले भी पैकिंग टाइम पे हो, हर चीज वक्त पे हो, तरीके से द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ ऑनेस्टली। मेरे लिए वक्त की सबसे ज्यादा अहमियत है, कहते हैं ना कि वक्त की कदर करो, वक्त तुम्हारी कदर करेगा। और यकीन मैंने इस सुबह जब उठता हूँ ना, मैं आंखें खोलने के साथ साथ पूछता दादी आज का क्या प्लान है, ताकि मुझे बताओ तो दिन का ना एक ऑर्गेनाइजर मैं बना लूँ। मैं कहता मुझे बता दिया करो आज ये कदर है, ताकि अकॉर्डिंगली टाइम एंड स्पेस में कुछ चीज वक्त जाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वक्त की कदर करें, उसको अच्छे टाइम पे, जब आप अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो सही टाइम पे सही फैसला बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हमारा थर्ड फैसला जो हमने सही वक्त में सही टाइम पे किया, वो ना नादिया का था ना मेरा था, हम दोनों का जो फैसला था। जिंदगी के तल्ख तजुर्बात से गुजरने के बाद इंसान कहता है यार अब ये काम करना ही नहीं है। जैसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि जब मेरा क्रैश हुआ, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंसान एक चीज से डर जाता है, वो कहता है दोबारा कॉकपिट में नहीं बैठना, वो बैठना चाहता है लेकिन उसकी फैमिली वाले इतना प्रेशर होता है उनकी तरफ से कि नहीं नहीं अब तुमने नहीं जाना क्योंकि ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गए, वो काम ना करो। लेकिन मेरी ये जिद थी, जो ही मुझे मौका मिला, जो ही मुझे इतने इस काबिल में हो गया कि दोबारा कॉकपिट में मैं बैठ सकता था, तो मैं बैठा और मैंने फ्लाइंग स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी जिंदगी का एक बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन इसके साथ साथ जो जिंदगी के अंदर कुछ और तल्ख तजुर्बात हो रहे होते हैं, उसके बाद जब मैं एक मुश्किल वक्त से जब मैं गुजरा, तो फिर दोबारा से मुझे किसी के साथ जिंदगी गुजारने का जब मौका मिला, या मैं शादी करता या मैं ना करता। उस वक्त अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने पहले भी हमने बताया है कि जब नादिया मेरी जिंदगी में आई, तो मेरे पास ऑप्शन थी कि क्या मैं इसको दोबारा से शुरू करूं अपनी जिंदगी को या ना करूं। और मैंने हर तरह की कॉन्सिक्वेंसेस को देखा और मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे नादिया के साथ जिंदगी गुजारनी है। और फिर आगे क्या होगा, वो तमाम चीजें जो कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क होता है, वो हमने लिया, हम दोनों ने लिया। यकीन मानिए इतना अच्छा फैसला जिंदगी का अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं इतनी हिम्मत दी और मुझे इतनी सपोर्ट मिली अपने फैसले से कि आज मैंने किया और आज मैं खुश हूं। देखिए एक चीज होती है प्लेजर, एक होती है हैप्पीनेस।
आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, सब बहुत खुश हैं और मैं अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जैसे मैं गुजारना चाहता था और जो लोग हमें देख के खुश नहीं है अल्लाह उनको भी खुश रखे आमीन। मेरी लाइफ का एक और सबसे सही फैसला जब फैसल ने मुझे कहा नादिया विल यू मैरी मी, और मैंने कहा यस। फिर मैंने कहा नादिया एंगेजमेंट कर लेते हैं, मैंने कहा ओके वो भी सही टाइम पे सही फैसला। नादिया अगले 15 दिन बाद शादी कर लेते हैं, वो भी ओके। तो माशाल्लाह ये सारे फैसले सही वक्त पे सही टाइम पे जो हमने लिए माशाल्लाह उसकी वजह से आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी टुडे। और मैं भी बिल्कुल रिसेंटली ये सोच रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और नॉर्मली मैं जब बीमार रहती हूँ तो मेरा बिल्कुल मैं कट ऑफ हो जाती हूँ सबसे और मैं शिकायत नहीं करती या मैं कोई होता है लोग चक 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 ये ला दो वो ला दो, मैं बच्चों को कहती हूँ कि भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं बस अकेले जो हूँ उस टाइम को गुजारती हूँ। और फर्स्ट टाइम मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ मतलब बचपन के बाद मम्मी डैडी के बाद अलावा मैं बात कर रही हूँ कि मैं बीमार हूँ और कोई मेरे लिए परेशान था और कोई फॉरन गया मेरे लिए मेडिसिन लेके आए जाके और मतलब सर मेरा दबा रहे मेरा ख्याल कर रहे हैं परेशान थे बुखार क्यों है तुम्हें डॉक्टर से बात कर रहे हैं और उसमें मुझे कुछ क्या साशे मिला के पीना होता था वो बार बार मैं सो के उठी हूँ चलिए सर आप ये पी लें और मुझे इतना ख्याल इतना मतलब मुझे लगता है कि बस लास्ट जब मम्मी जिंदा थी शादी से पहले अपने बचपन में जो मम्मी डैडी केयर करते थे परवाह होती थी किसी को और हमदर्दी थी किसी को वो माशाल्लाह जो मैं फील करती हूँ फैसल की वजह से दैट इज सो ब्यूटीफुल और बाकी मुझे लगा मैंने सही फैसला किया सही टाइम। Take very good care of yourselves. Subscribe to our channel Outstyle. Give me a thumbs up. Bye bye. Subscribe to Outstyle. Bell icon pe click kare taki aapko notification mil jaye jab bhi koi Outstyle ki video aaye. Never miss a video on Outstyle.